तो मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने सिंपली ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे जहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जहाँ तक ड्रॉ करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये एक तरीका होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, लेकिन इससे बेटर जो तरीका है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का वो है एक्सटेंडेड लाइन का यूज़ करना। एक्सटेंडेड लाइन में आप सिंपली एक बार प्रेस कीजिए और उसके बाद जैसे ही आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो आपकी एक पूरी लाइन बन जाएगी और इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। और जैसे आप ट्रेंड लाइन लाइन वाले चार्ट में ड्रॉ कर देते हैं उसके बाद आपको लाइन से इसको कैंडल्स कर देना है और आपकी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी और इस तरीके से आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आज के हिसाब से जो एडवांस टूल्स हैं उनका ट्रेडिंग में यूज करें। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक एडवांस टूल और वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलर चार्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू को प्रोफेशनली यूज करना सिखाने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ये तो सिखाऊंगा ही कि ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है, बट इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी एडवांस ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जिनके बारे में बहुत कमी लोग जानते हैं। तो ये एक ऐसी वीडियो है जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ट्रेडिंग व्यू बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और मैं पर्सनली इसको यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ गए हैं हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में। इस वेबसाइट में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद अगर आप थोड़ा नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, कुछ इंडाइसेस देखने को मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको कुछ पॉपुलर स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनका वॉल्यूम रिसेंटली बढ़ा है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, आपको जो गेनर स्टॉक्स हैं जो लूजर्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें साइन अप कर लेना है। तो ऊपर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहीं पर हमें साइन अप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि आप फ्री में कर सकते हैं और आप इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री में ही यूज कर सकते हैं। तो साइन अप करने के लिए गूगल और फेसबुक का ऑप्शन है, तो मैं गूगल से यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। तो मैंने अपने गूगल की ईमेल आईडी से साइन अप कर लिया है। अब साइन अप करने के बाद यहाँ पर ही आपको एक यूजर नेम सेलेक्ट करने के लिए कहता है, तो यहाँ पर आप कोई भी एक यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको टर्म्स एंड पॉलिसी पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ही आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहेंगे, उसकी आपको कोई भी खास जरूरत नहीं है। तो अब आपका साइन अप कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप किसी भी चार्ट को देखना चाहते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली ऊपर सर्च का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहां पर आपको उस स्टॉक का नाम सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मैं ITC का चार्ट देखना चाहता हूं, तो मैंने ITC लिखकर सर्च कर दिया है और जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो यहां पर हमारा जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर ऊपर आपको फिल्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आप सिर्फ स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो अपने स्टॉक पे सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद सिर्फ आपको स्टॉक दिखाई देंगे। यहां पर आपको ऑल कंट्रीज दिखाई दे रही है, आप चाहें तो यहां से इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप्स भी यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको सेक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बेसिस पर भी आप स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। तो अब यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक है लॉन्च चार्ट का और दूसरा है सी ओवरव्यू का। अगर आप लॉन्च चार्ट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली एडवांस चार्ट ओपन हो जाएगा जो कि बेसिकली हमें देखना है, और जनरली आपको लॉन्च चार्ट पे ही क्लिक करना है। लेकिन एक बार मैं आपको ओवरव्यू भी दिखा देता हूं। तो मान लीजिए आप ITC के बारे में जानना चाहते हैं और ओवरव्यू उसका एक लेना चाहते हैं, तो आपको ओवरव्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, उसकी प्राइस देखने को मिल रही है, उसका एक बेसिक चार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उसने आज कैसा परफॉर्म किया है, एक हफ्ते में कैसा परफॉर्म किया, एक महीने में कैसा परफॉर्म किया है, ये डिटेल्स देखने को मिल रही है, कुछ की स्टैट्स, कुछ उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन, कुछ आइडियाज और कुछ न्यूज आपको उस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पर एक कंपनी के बारे में देखने को मिल जाता है। बट इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसके लिए मेनली इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वो है इसके सुपर चार्ट्स की वजह से। तो हमने सुपर चार्ट पे क्लिक कर दिया है, तो अब आपके सामने एक एडवांस चार्ट खुल चुका है ITC का, जो कि आपको कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। अब फिलहाल के लिए जो इसका राइट कॉर्नर है जिसपे वॉच लिस्ट ओपन हो रखी है, इसको भी मैं बंद कर देता हूं। तो मैंने यहां पे टैप किया है और हमारी जो वॉच लिस्ट है वो हमारे सामने से हट चुकी है। तो अभी हमें ITC का एक प्रॉपर चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर की जो चारों साइड्स हैं वहां पर हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स दिखाई देते हैं। इन टूल्स को प्रॉपरली कैसे यूज करना है, कैसे ट्रेंड लाइन बनानी है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप आसानी से बना सकते हैं, ये सब कुछ हम आगे सीखेंगे। वैसे दोस्तों अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है और उसके दो लेक्चर्स तो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं हमारे ऐप नीरज जोशी पर। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहां से हमारे ऐप को
डाउनलोड करने के बाद हमारे कोर्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल दिखाई दे रही है, आपको जहां पर आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए प्रो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा डार्क मोड और लाइट मोड करने का ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके बगल में आपको स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है, हमने ITC सर्च कर रखा है। अगर मान लीजिए आप रिलायंस सर्च करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करने के बाद रिलायंस लिखना होगा, और जैसे ही आप रिलायंस लिखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उस पर क्लिक करके आप रिलायंस के चार्ट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली अगर आप कीबोर्ड में भी लिखना शुरू कर देंगे जैसे ITC, तो ऐसे भी आप उस चार्ट को ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर चार्ट को दूसरे पर्टिकुलर चार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ITC को निफ्टी के साथ कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो आपने प्लस पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कंपेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहां पर निफ्टी लिख के सर्च कर देता हूं। निफ्टी एक इंडेक्स है तो हमारे सामने निफ्टी खुलकर आ गया है, और जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया है तो अब देखिए हमारे सामने दो चार्ट खुल गए हैं। ऊपर वाला हमारा ITC का चार्ट है और नीचे वाला हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने इस टाइम पीरियड में सिर्फ 7.62% के रिटर्न्स दिए थे, जबकि ITC ने 36% के रिटर्न्स दिए थे। तो ऐसे आप किसी भी चार्ट को दूसरे चार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो अब आपको प्लस का कैसे यूज करना है ये समझ आ गया है। तो इसके बगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जिसकी रेगुलर जरूरत पड़ेगी और जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो अभी देखिए यहां पर आपको जो ये चार्ट दिखाई दे रहा है ये डे का चार्ट है, यानी यहाँ पर एक एक कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है ये एक दिन की कैंडल है। जैसे ये 30th अगस्त की कैंडल है, ये 1st सितंबर की है, ये 2nd सितंबर की है, ये 5th सितंबर की है, 6th सितंबर की है, 7th सितंबर की है, यानी एक कैंडल में पूरे दिन में उस शेयर की प्राइस में क्या हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप 15 मिनट की कैंडल देखना चाहते हैं तो आपको 15 मिनट सेलेक्ट करना होगा, और अब आपके सामने जो कैंडल बनकर आएगी ये 15 मिनट की कैंडल होगी। जैसे ये 9:15 की कैंडल है, ये हमारी 9:30 की कैंडल है, ये 9:45 की कैंडल है। अब यहां पर आपको 4 की भी कैंडल देखने को मिल रही है जबकि मार्केट इस टाइम पे क्लोज हो जाता है। इसके पीछे का रीजन यह है कि यहाँ पर जो टाइम जोन सेलेक्ट हो रखा है वो एक गलत टाइम जोन है, इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट नहीं हो रखा है। तो हमें इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें कोलकाता का टाइम जोन सेलेक्ट करना होगा। तो अब मैंने कोलकाता का टाइम जोन सेलेक्ट कर दिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट हो चुका है। तो अगर आप मान लीजिए 1 की कैंडल देखना चाहते हैं तो आपको हर एक मिनट में उस शेयर की प्राइस में क्या हुआ है वो दिखेगा। इसके लिए आपको यहां से 1 सेलेक्ट कर देना होगा। अब अगर आप ऐसे ही मान लीजिए 3 का देखना चाहते हैं तो आपको 3 सेलेक्ट करना है, 5 का देखना चाहते हैं तो 5 सेलेक्ट करना है, और ऐसे आप जितने टाइम पीरियड की कैंडल देखना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप अगर ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपको कैंडल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो कैंडल्स देखने को मिल रही हैं ये जापानीज कैंडल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और सबसे ज्यादा यूज होती हैं। लेकिन इसके अलावा लाइन चार्ट का भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, लाइन भी आप कई बार यूज कर सकते हैं और इससे आपके लिए कुछ काम बहुत आसान हो जाएंगे। तो आप यहां से लाइन चार्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा हाकिनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न भी कई बार आप यूज कर सकते हैं, हो सकता है स्ट्रेटजी के बेसिस पर। तो मेनली आप हाकिनाशी यहां पर यूज करेंगे, आप चाहे तो स्टार कर लीजिए। इसके अलावा आप लाइन यूज करेंगे और मेनली कैंडल्स यूज करेंगे। ये 3 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप इनमें से ही किसी को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं वापस से कैंडल सेलेक्ट कर लेता हूं, बट आप यहां से समझ गए हैं कि अगर आपको मान लीजिए कैंडल चेंज करनी है तो आप यहां से अपनी कैंडल चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्योंकि इन्हें स्टार कर दिया है, तो अगर मान लीजिए अब मैं लाइन पे क्लिक करूंगा तो अब लाइन खुल गया। यहाँ पे मैं कैंडल सेलेक्ट करूंगा तो जापानीज कैंडल आ गई, और यहाँ पे मैं हाकिनाशी सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी हाकिनाशी कैंडल आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप स्टार कर देंगे तो ऊपर ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और ये स्टार अगर आप हटा देंगे तो ये ऑप्शन आपके ऊपर से हट जाएंगे और सिंपली आपको एक कैंडल देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप अपना कैंडल्स को चेंज कर सकते हैं। इसके बगल में आपको इंडिकेटर्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अभी ध्यान रखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी ऐसी टिप्स भी मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आपके बहुत सारे काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। वैसे दोस्तों क्योंकि आप इस ट्रेडिंग व्यू की वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमने एक पूरी इंट्राडे ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप चार्ट में कोई इंडिकेटर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं।
सकते हैं। तो इसके लिए ऊपर ही आपको इंडिकेटर्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। अब आप जिस भी इंडिकेटर को अपने चार्ट में लगाना चाहते हैं आपने सिंपली उस इंडिकेटर का नाम लिखकर सर्च कर देना है। जैसे अगर आप RSI को लगाना चाहते हैं तो आपने RSI लिखकर सर्च किया और इस पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि RSI इंडिकेटर आपका जो चार्ट है उस पर प्लॉट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इस इंडिकेटर को हटाना चाहते हैं तो वो आप ऐसे हटा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इंडिकेटर अगर आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप बोलिंजर बैंड्स लगाना चाहते हैं, तो आप बोलिंजर बैंड्स पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है वो लग जाएगा। अब इसके अलावा जब आप बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगा रहे हैं या कोई भी इंडिकेटर लगा रहे हैं, इसके साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स के अलावा ना यहां पर एक स्ट्रेटजीज का भी ऑप्शन है। तो ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी यहां पर बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो आपने बोलिंजर बैंड पर क्लिक किया तो अब देखिए आपको यहां पर एक स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्ट्रेटजी टेस्टर का एक ऑप्शन है, वो स्ट्रेटजी कितना बेटर काम कर रही है ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसके साथ ही यहाँ पर एक पैटर्न्स का भी ऑप्शन है। जो ऊपर चार्ट पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये तो आप प्रो वर्जन में देख सकते हैं, लेकिन जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं इन्हें आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रहे होंगे वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो जो कैंडल जहाँ पर बन रही है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी कैंडल कहां पर बन रही है और इजिली आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप ये एक ऑल पैटर्न वाला इंडिकेटर लगा सकते हैं और जब भी कोई कैंडल यहां पर बनेगी तो वो आपको अपने आप ही नजर आ जाएगी। तो आपको कैंडल्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा और इनके बेसिस पर आप चाहें तो ट्रेड भी ले सकते हैं। तो यहां पर इंडिकेटर्स में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को यहां से हटा देता हूं। अब कई बार जब आप इंडिकेटर लगाएंगे तो उसमें आपको सेटिंग चेंज करने की जरूरत भी पड़ती है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाएंगे तो आपने मूविंग एवरेज यहां पर सर्च किया और मूविंग एवरेज मान लीजिए एक्सपोनेंशियल लगाना चाहते हैं तो आपने एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कर दिया। और अगर आप दो बार इस इंडिकेटर को लगाना चाहते हैं तो आपने दो बार क्लिक करना है और ऐसे आपका ये जो इंडिकेटर है दो बार लग जाएगा। अब इसकी मान लो आपने एक की सेटिंग चेंज करनी है तो आपने जिस भी इंडिकेटर की सेटिंग चेंज करनी है उस पर जाना है। यहां पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ये 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अब अगर आप इसे 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने 21 लिख देना है और जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ये 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप चाहें तो किसी भी इंडिकेटर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाइल का भी एक ऑप्शन आता है, आप चाहें इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी आप चाहें तो जो थिकनेस है उसको भी बड़ा कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से इसकी जो सेटिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसकी आपको कई बार जरूरत पड़ेगी सेटिंग चेंज करने की, तो ये आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर वाले सेक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके बगल में ये जो इंडिकेटर टेम्पलेट का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप अपनी खुद की भी एक टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिकेटर आपने लगाए हैं और आप इन्हें सेव करना चाहते हैं तो आपने सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है, इसका एक नाम रख देना है और नाम रखने के बाद जैसे आप सेव करेंगे तो ये एक आपकी टेम्पलेट बन जाएगी। अब मान लीजिए आप सारे इंडिकेटर हटा देते हैं और उसके बाद आप देखना चाहते हैं अपना इंडिकेटर एक बारी में लगाना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है और वो सारे इंडिकेटर आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी एक टेम्पलेट बना सकते हैं और यहाँ पर कई सारी टेम्पलेट ऑटोमेटिकली बनी हुई है, उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बगल में एक अलर्ट लगाने का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए अब इसके शेयर की प्राइस 449 रुपीज़ के आसपास चल रही है, आप चाहते हैं जैसे इसकी प्राइस 451 या 52 रुपीज़ चली जाए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप यहां से भी अलर्ट लगा सकते हैं। अब इसके बाद अलर्ट के बगल में एक रिप्ले का ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इससे आप अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो फीचर है ये प्रो यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब इसके राइट कॉर्नर में चलते हैं तो यहां पर आपको लेआउट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप एक टाइम पे दो या तीन चार्ट देखना चाहते हैं तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फीचर है ये प्रो मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सिंपली एक और विंडो आप खोल लीजिए, वहां पर आप इजीली देख सकते हैं और ऐसे ही आप फ्री में काम चला सकते हैं। इसके बाद इसके बगल वाला जो ऑप्शन है, यहां पर आप चाहें तो अपना जो चार्ट है और जो जो सेटिंग्स आपने कर रखी है उनको आप सेव कर सकते हैं। इसके बगल में ये वाला जो फीचर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप कोई भी फीचर अगर सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं और उस फीचर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे बगल में सेटिंग का ऑप्शन है जिसमें आपको चार्ट की पूरी सेटिंग देखने को मिल जाती है, आप किस हिसाब से अपने चार्ट को रखना चाहते हैं, अपनी कैंडल का कलर क्या रखना चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। इसके बगल में फुल स्क्रीन का ऑप्शन है तो इससे आप अपने
अपने चार्ट को फुल स्क्रीन कर सकते हैं और इसके बगल में फोटो खींचने का ऑप्शन है, आप पूरे चार्ट की फोटो ले सकते हैं, इसकी आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ऊपर के फीचर्स हैं वो आपको समझ आ गया है, तो अब इसके राइट वाले फीचर्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी फीचर है वो ये वॉच लिस्ट का ही है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स के नाम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपना कोई स्टॉक यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड सिंबल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से अपना एक स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ITC ऐड कर दिया है, रिलायंस ऐड कर दिया है, इसके अलावा मैं गोल्ड को भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और इनको रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ITC यहाँ पे ऐड हो गया है, अब मैं इजीली इन्हें शिफ्ट कर सकता हूँ। मैंने रिलायंस सेलेक्ट कर लिया है, गोल्ड सेलेक्ट कर लिया है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्रिप्टो भी दिखाई दे रही है तो उन्हें भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स के भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर्स के भी दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक एडवांस टूल देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से सिंबल जो आपने ऐड कर रखे हैं वो कौन कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब देखो फिलहाल तो यहाँ पर आप एक ही वॉचलिस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा वॉचलिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्रिएट न्यू वॉचलिस्ट पे क्लिक करना है, बट उसके बाद ही आपको कहेगा कि प्रो सब्सक्रिप्शन ले लो। बट अगर आप फ्री में और वॉचलिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू का ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा, वहां पर इसी ईमेल आईडी के साथ आपको लॉगिन करना होगा और वहां पर आप चाहें तो 2-3 वॉचलिस्ट भी बना सकते हैं और वो वॉचलिस्ट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर आप अपनी वॉचलिस्ट में स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं और उन्हें इजीली देख सकते हैं। अब इसके बगल में एक अलर्ट का ऑप्शन है जो कि ऊपर भी था, वहां से भी आप अलर्ट सेट कर सकते थे और यहां से भी आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। अब ये जो हमारी राइट साइड थी इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट के अलावा और ज्यादा फीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आते हैं जो हमारा नीचे वाले फीचर्स हैं उन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 day, 5 day, 1 month, 3 month का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसका पूरे साल का चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको 1 year पे क्लिक कर देना है और पूरे साल में इस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे साल का चार्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आप हमेशा का इसका चार्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। लेफ्ट क्लिक मारेंगे तो यहाँ पर रीसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा और ऐसे करके आप चाहें तो इसका पूरा चार्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ऑल करके भी देख सकते हैं, 5 year का देख सकते हैं, 1 year का ऐसे देख सकते हैं। तो एक साल का आपको पूरा चार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप एक दिन का देखना चाहते हैं तो फिर आप एक दिन का चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं और ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर 1 minute की कैंडल सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं इसे 1 year पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डेली कैंडल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी और अगर मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मंथली कैंडल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप नीचे से जो हमारी कैंडल है उसका टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कस्टम डेट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेनली आप एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का या ऑल टाइम का ही देखेंगे तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप नीचे से टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो टाइम चल रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है और टाइम जोन आपको ध्यान रखना है कि आपने 5:30 रखा हो जो कि इंडिया का है। इसके अलावा ये आपको बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पर शेयर की प्राइस दिखाई देती है, यहाँ पर नीचे टाइम पीरियड दिखाई देता है, इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप प्राइस को अगर चार्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब आपको ये जो टाइम पीरियड है ये भी समझ आ गया है। तो इसके नीचे भी आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे तो ये बहुत एडवांस लेवल के फीचर्स हैं लेकिन इनके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आपको एक स्टॉक स्क्रीनर देखने को मिल रहा है, तो अगर आप स्क्रीनर को ओपन करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको स्क्रीनर देखने को मिल रहा है जहां पर आपको सभी कंपनीज के नाम देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आप सबसे पहले अगर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही दिखाई देंगे। तो जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद अब हमें यहां पर सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नजर आएंगे। और इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन के बेसिस पर आप स्टॉक्स को देख सकते हैं, उनकी मार्केट कैप, उनका पी रेशियो, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स देखना चाहते हैं तो आपने यहां पर क्लिक करना है और यहां पे टॉप गेनर्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप टॉप लूजर्स देखना चाहते हैं तो वो आपको देखने को मिल रहा है। कौन से ऐसे स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं वो जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देना है और वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो अपने ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं और बहुत सारे डेटा के हिसाब से आप यहां पर स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर और भी काफी सारे फिल्टर्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिनको आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं और स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। अब स्टॉक स्क्रीनर के बगल में ये जो पाइन एडिटर का ऑप्शन है ना, ये एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले तो जब तक आपको कोडिंग नहीं आती थी तब तक आप ये नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अगर आप चाहें तो आप चैट GPT से भी एक पाइन स्क्रिप्ट लिखा सकते हैं और उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
बस आपको यहाँ पर लिखना होगा कि राइट अ पाइन स्क्रिप्ट और उसके आगे जो भी आप टेस्ट करना चाहते हैं वो आपको लिखना होगा, और ये कमांड आप जैसे ही देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक पाइन स्क्रिप्ट मिल जाएगी। आपने सिंपली उसको कॉपी कर देना है और उसको आप कॉपी करके जैसे ही यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो आप यहाँ पर उस फंक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपने पाइन स्क्रिप्ट डाला, यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको पेस्ट कर दिया और उसके बाद आप ऐड टू चार्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इसको चार्ट पे यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि ये यहाँ पर आपको कोई एरर बताएगा। आपने सिंपली क्या करना है, उस एरर को कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी में जाकर उस एरर को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो इसके बाद ये दोबारा से एक आपके लिए कोड लिख देगा और उस कोड को अगर आप कॉपी करके डालेंगे तो इस बार आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। तो मैं इसको ऐड करता हूँ और इस बार मैंने ऐड कर दिया और ऐड टू चार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। और उसके बाद उसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो कैसा परफॉर्म करेगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप पाइन एडिटर का यूज़ कर सकते हैं और पाइन एडिटर के साथ ही स्ट्रेटजी टेस्टर भी जुड़ा हुआ है। तो पाइन एडिटर पर जो आप स्ट्रेटजी डालते हैं वो हम स्ट्रेटजी टेस्टर पर उसको टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप पाइन एडिटर का यूज करके स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ट्रेडिंग पैनल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रोकर्स दिखाई दे रहे हैं जिनका अगर आप यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से ही ट्रेड कर सकते हैं। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं जिन्हें मैं भी यूज करता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आपको ये सभी फीचर्स समझ आ चुके हैं। तो अब बात करते हैं हमारे लेफ्ट वाले फीचर्स की जिनका यूज करके आप ट्रेडिंग में एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये जो ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन मैंने सेलेक्ट की थी इसलिए ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक ड्रॉइंग वाला फीचर है जिसमें आपको लाइंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन मिल रही है, रे मिल रही है, एक्सटेंडेड लाइन मिल रही है और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपके लिए मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो एक है ट्रेंड लाइन, दूसरी इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और तीसरी आपके लिए यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन भी काफी काम आएगी। तो अब मान लीजिए अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे आसान आपको क्या करना है, ऊपर जो कैंडल्स है इसको चेंज कीजिए, लाइन बना दीजिए। लाइन बनाएंगे तो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली ऑल्ट एच पे क्लिक कर देना है और आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, या फिर यहाँ से भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ आप कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ये ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन है, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करता हूं। बट पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन का वाला ही ऑप्शन दिखा देता हूं। तो मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने सिंपली ट्रेंड लाइन पे यहां पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप यहां पे जहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जहां तक ड्रॉ करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये एक तरीका होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, लेकिन इससे बेटर जो तरीका है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का वो है एक्सटेंडेड लाइन का यूज करना। एक्सटेंडेड लाइन में आप सिंपली एक बार प्रेस कीजिए और उसके बाद जैसे ही आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो आपकी एक पूरी लाइन बन जाएगी और इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। और जैसे आप ट्रेंड लाइन लाइन वाले चार्ट में ड्रॉ कर देते हैं उसके बाद आपको लाइन से इसको कैंडल्स कर देना है और आपकी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी और इस तरीके से आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, मैं आपको अभी मोटा मोटा दिखा रहा हूँ तो एक्यूरेसी पे अभी बहुत ज़्यादा मत जाइएगा क्योंकि मेरा काम अभी आपको फीचर्स को समझाना है। तो यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन का यूज़ कर लेना है, एक्सटेंडेड लाइन का यूज़ कर लेना है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी आपने ड्रॉइंग कर दी है, इनको आप हटाना चाहते हैं तो आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव ड्रॉइंग का ऑप्शन आता है, आपने इस पर क्लिक कर देना और इस तरीके से आपकी ड्रॉइंग यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो ये वाला जो फीचर है लाइन वाला वो आपके इन्हीं काम आएगा। अब इसके बाद ये आपके एक फीचर है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन मुझे भी बहुत रेयरली इसकी कभी ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद लाइन के बाद यहाँ पर हमारे पास फिबोनाची के कुछ टूल्स हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपको लगाना है तो आप चाहें तो यहाँ से अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना यहाँ पर इंडिकेटर्स में एक ऑप्शन होता है फिबोनाची का, आप जाकर सर्च करेंगे फिबोनाची तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिकेटर्स का यूज करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फिबोनाची वाला टूल था इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लगाना काफी मुश्किल भी होता है, जो कि इजीली आप इंडिकेटर के थ्रू लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है पैटर्न्स का। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप इसका यूज करके कर सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्लिक किया, उसके बाद इस तरीके से क्लिक कर लिया और आपका एक ट्रायंगल पैटर्न
यहाँ पर तैयार हो जाएगा और ऐसे आप अपना एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं आपको सिंपली सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपना ट्रायंगल पैटर्न बना सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है ये वाला, जिसमें आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन देखने को मिलती है। लॉन्ग का मतलब होता है आप बाय करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपने देख लेना अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपना एक रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2.76 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही मान लीजिए अब अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से आप अपना यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में रिस्क रिवॉर्ड पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो फीचर है आपका लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन वाला काम आएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है ये ड्राइंग वाला फीचर है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज़ का नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फीचर है जो आपके यूज़ आ सकता है और वो है ये कर्व वाला फीचर। अगर मान लीजिए आप कर्व में कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए कप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये वाला फीचर आपके इस काम आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है टेक्स्ट लिखने का, जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज़ का नहीं है, लेकिन मान लीजिए कभी आप शेयर की प्राइस कहीं पे नोट करना चाहते हैं, इसके लिए आपने बस यहाँ से प्राइस टेबल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली जो भी वहाँ पर प्राइस होगी उसका लेबल यहाँ पर बनकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इमोजी वगैरह का भी फीचर है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है जो कि आपके काम आ सकता है वो है ये मेजर करने का फीचर। जैसे अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड लिया होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता, तो वो आप इस मेजर वाले फीचर से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये टोटल 45 बार्स हैं और क्योंकि 1 मिनट की कैंडल है तो ये 45 मिनट है, इसमें इतना वॉल्यूम रहा है और शेयर जो है वो 0.06% बढ़ा है। तो ये रूलर वाला फीचर आपके इस काम आ सकता है। इसके बाद जो हमारा प्लस वाला फीचर है ये जूम करने के काम आता है, बट जूम आप माउस में स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मैग्नेट वाला फीचर है, इसका यूज करके अगर आप मान लीजिए लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा कि आपकी जो लाइन है वो प्राइस के आसपास ही ड्रॉ हो। तो इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं जब आप कोई भी चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पर आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स, और अगर आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस में या इंस्टाग्राम स्टेटस पे जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी तक आपको ये तो समझ आ गया है कि ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है, तो अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू की कुछ ट्रिक्स समझा देता हूँ जो कि बहुत कम ही लोग जानते हैं, और इनका यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली ट्रिक है, इसमें आप ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहां पर जाने के बाद पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा देना है। जैसे ही आप ये इंडिकेटर लगाएंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड वाला, तो आपको बहुत सारे यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको यहां पर सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर जो बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं उनको आपने यहां से हटा देना है। तो यहां पर 5 सपोर्ट और 5 रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, हम यहां पर सिर्फ 1 सपोर्ट और 1 रेजिस्टेंस रख रहे हैं। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह है हमारा पहला तरीका। इसमें मान लीजिए अगर आप 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रखना चाहते हैं तो आपको वापस से इनपुट में जाना है और यहां पे S2 और R2 को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब आपके पास 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट ट्रिक में मैं आपको ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस इंडिकेटर को हटा देते हैं और उसके बाद वापस से हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे और यहां पर हमें ट्रेंड लाइन लिखकर सर्च करना है। अब जैसे ही आप ट्रेंड लाइन लिखकर सर्च करेंगे तो यहां पर आपको लक्स एल्गो वाला एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड ट्रिक है, इसके लिए मैं वापस से कैंडल वाला हमारा चार्ट पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूं और ये जो इंडिकेटर हमने लगाया था इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। और इसके बाद हमें यहां पर जाना है और यहां पर आपको सर्च करना है MA Ribbon। ये जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि है मूविंग एवरेज रिबन, और इसमें आपको 3 इंडिकेटर जो मूविंग एवरेज के हैं वो ऑटोमेटिकली लगे हुए मिल जाते हैं। ये लगाने से फायदा ये होगा कि बेसिकली जब भी आप इंडिकेटर यहां पर लगाएंगे तो जब आप फ्री वर्जन का यूज करते हैं तो वहां पर आप 3 से ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते हैं। तो इसके थ्रू आप एक ही इंडिकेटर में ये 3 मूविंग एवरेज या 4 मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप कोई एडिशनल इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो हमने मूविंग एवरेज रिबन लगाया है, अब इसके बाद ये सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है, एक्सपोनेंशियल लगाना है, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप 20 पीरियड का रखना चाहते हैं, 50 पीरियड का, 100 पीरियड का, 200 पीरियड का, या ऑटोमेटिक है, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब आपने एक साथ 4 मूविंग एवरेज लगा दिए हैं, अब इसके साथ अगर आप मान लीजिए RSI लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली लगा पाएंगे।
तो इससे फायदा ये हो रहा है कि जहां फ्री वर्जन में आप सिर्फ 3 इंडिकेटर्स लगा सकते थे, अब आप एक ही इंडिकेटर के अंदर 4 मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, तो अब आप इसके बाद 2 और एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगा पाएंगे फ्री वर्जन के अंदर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें ट्रेडिंग की कितनी नॉलेज है, तो इसलिए हमारा सवाल यह है कि ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर होता है, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो ये इंडिकेटर किस काम आता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हमारी टीम सभी कमेंट्स को पढ़ती है और अच्छे कमेंट्स को हम हार्ट भी देते हैं। इसके बाद जो हमारी फोर्थ ट्रिक है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी, और वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता करना है तो इसके लिए आपको इंडिकेटर्स में जाना है, और यहां पर जाने के बाद जैसे आप टेक्निकल्स में जाएंगे तो पैटर्न्स में जाने के बाद आपको यहां पर कैंडलस्टिक वाले पैटर्न में एक ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न का इंडिकेटर मिलता है, आपने इस इंडिकेटर को लगा देना है, और इसको लगाने के बाद आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से चार्ट में कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पर बन रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहां पर ड्रॉ हो जाएंगे, तो इससे आपका जो काम है वो काफी आसान हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ ट्रिक है उसमें मैं आपको अपना एक खुद का इंडेक्स बनाना सिखाऊंगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे यहां पर आपने ITC का स्टॉक सर्च कर रखा है, इसके साथ अगर मान लीजिए आप कोई और दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं और आप 3-4 स्टॉक्स को एक साथ ही अपने चार्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो आपने जिस स्टॉक को ऐड करना है उसके आगे प्लस लिखिए और उसके बाद जो दूसरा स्टॉक आप ऐड करना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद आपको दोबारा से प्लस लगाना है और फिर आप तीसरा जो स्टॉक लिखना चाहते हैं वो लिख लेना है, और ऐसे करके आप 3-4-5-6 या जितने भी स्टॉक ऐड करना चाहते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको रैंडमली कोई भी ऐड करके दिखा रहा हूं, लेकिन मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स को देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा चार्ट बनेगा जो कि जो जो स्टॉक्स आपने ऐड किए हैं वो सभी स्टॉक्स उस चार्ट में इंक्लूड होंगे, तो इससे आप एक सेक्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो भी जब मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताई थी, और वो ये थी कि अगर मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को किसी दूसरे स्टॉक के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप जिस भी स्टॉक के साथ या जिस भी इंडेक्स के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं आपने उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, और वो भी आपके चार्ट में ड्रॉ हो जाएगा, और इस तरीके से आप 2 स्टॉक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक में कैंडल लगी है तो आप चाहे तो इसको लाइन कर लेंगे, तो आपके लिए कंपेयर करना काफी इजी हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आप जैसे ही प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीनर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपको लास्ट में एक हीट मैप्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप स्टॉक पे क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी स्टॉक्स आज अच्छा या खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको रेड एंड ग्रीन में नजर आ रहे होंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर S&P 500 इंडेक्स सेलेक्ट हो रखा है, तो इसको हम चेंज करके अपना निफ्टी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने निफ्टी पे सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा अपने स्टॉक्स, अपने इंडिया के जो स्टॉक्स हैं उनमें कौन से स्टॉक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से स्टॉक्स ने आज ज्यादा खराब परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को देखना चाहते हैं जो कि -3% से ज्यादा गिरे हैं तो आप बाकी को अनसेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको सिर्फ वही स्टॉक्स नजर आएंगे जो कि -3% से ज्यादा गिरे हैं। तो हमने जैसे ये सेलेक्ट किया है तो आज ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है, तो अब हम -2% सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील 2% के आसपास गिरा है। -1% सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे ही अगर आप प्लस पे सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक बढ़े हैं, तो 1% ये स्टॉक बढ़े हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो 2% के आसपास बढ़े हैं, और ये वो स्टॉक्स हैं मतलब इसमें इंक्लूड हैं जो 2% से ज्यादा बढ़े हैं। तो यहाँ पर जो ये हीट मैप है इसमें आपको एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स नजर आ जाते हैं जिनमें आज हलचल चल रही है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको सेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे फाइनेंस सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एनर्जी मिनरल सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है। तो आप सेक्टर वाइज भी यहाँ से अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो सकती है। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट ट्रेडिंग व्यू की ट्रिक है, तो इसके लिए वापस से आपको ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे को स्लाइड करना है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेड आइडियाज देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स में किस हिसाब से ट्रेड लिया जा रहा है और कैसे लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो आप इन ट्रेड आइडियाज को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल आइडियाज भी हैं जिनमें काफी सारी आपको वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, फिर वीडियो आइडियाज भी हैं, और फिर पाइन स्क्रिप्ट्स भी यहाँ पर बहुत सारी मिल जाती हैं जो कि आप खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और अब तो ChatGPT का यूज करके आप उनमें अच्छा खासा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू का एडवांस यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।